Hello everyone, welcome back to Neetport. In the last video, we discussed about the mesencephalon or midbrain. Today in this video, we will discuss about the hindbrain or rhombencephalon. So let's start with the hindbrain. Hindbrain or rhombencephalon. रोमबेंसिफिलोन या हिंड ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली हिंड ब्रेन को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका, इसे हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम. सेकंड होता है पॉन्स वेरोलाई और थर्ड जो है वो मेडुला ओब्लोंगेटा है. सो वी विल क्लासिफाई और डिवाइड इंटू थ्री कैटेगरीज. First is cerebellum. पहला cerebellum है, दूसरा pons veroli और third हम लोग बात करेंगे medulla oblongata का, oblongata. Medulla oblongata जो है वो हम लोग थर्ड कैटेगरी में या थर्ड पार्ट के रूप में पढ़ते हैं और पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं सेरिबेलम की. अगर सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन विच इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ थ्री लोब्स, जिसमें दो लोब्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं. और बेसिकली जब भी हम लोग थ्री लोब्स की बात करते हैं उनमें से जो थर्ड लोब होता है वो स्मॉलर होता है, जिसे वर्मिस कहा जाता है. सो सेरिबेलम इज सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इज हैविंग द थ्री लोब्स, तीन लोब्स होते हैं जिसमें से कि जो दो होते हैं वो लार्जर होते हैं और वन जो होता है ये स्मॉलर होता है. इस स्मॉलर को हम लोग कहते हैं मीडियन वर्मिस, मीडियन वर्मिस. सेरिबेलम के ये इस छोटे से लोब को कहा जाता है. इसके अलावा अगर हम लोग इसके पार्ट्स वाइज यानी सेरिबेलम को पार्ट्स वाइज पढ़ें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल. सो द पार्ट्स आर बेसिकली टू, वन इज पेरिफेरल एंड अनदर वन इज सेंट्रल. पेरिफेरल पार्ट की बात करें तो ये बेसिकली कंपोज्ड होता है ग्रे मैटर से, ग्रे मैटर से बना होता है. जबकि अगर हम लोग सेंट्रल पार्ट की बात करें तो ये होता है वाइट मैटर से बना हुआ. और यही वाइट मैटर जो होता है ये आगे चल के ट्री के ब्रांचेस की तरह फॉर्म करता है, फॉर्म ब्रांचेस, ब्रांचेस की तरह फॉर्म करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्बर विटी, आर्बर विटी या वाइटी. ये आर्बर वाइटी जो है इस यही प्रोवाइड करता है सॉलिडनेस को. यानी ये जो हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम सॉलिड होता है, इसका काम ही होता है जो आर्बर विटी ट्री के ब्रांचेस की तरह जो पाए जाते हैं वही एक तरीके से सॉलिड नेस इसको प्रोवाइड करता है सेरिबेलम को. अब हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शन की. तो बेसिकली जब भी हम लोग इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो सेरिबेलम जो होता है वो ऑलवेज जो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है उसे कंट्रोल होता है, जैसे पॉस्चर है, इक्विलिब्रियम है. सो फंक्शन इज, द फर्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल्स voluntary actions, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, इसके अलावा पोश्चर की. सो ये सारा काम जो है करता है सेरिबेलम. इसके अलावा कुछ रैपिड मस्कुलर एक्शंस जो होते हैं उसे भी कंट्रोल करता है. सो कंट्रोल
rapid muscular actions. Rapid muscular actions में जैसे हम लोग बात करते हैं कि running, for example, run करना है अचानक से, running, talking, इस तरह से ये सारे काम जो हैं वो control किए जाते हैं cerebellum से. और cerebellum is the second largest part of the brain. So this is the I'm writing here second largest part. ये second largest part होता है. So this cerebellum is very important in terms of controlling in various functions, जैसे हमने बात करी. अब हम लोग बात करते हैं pons verula की. तो pons verula जो होता है ये basically composed of thick bands of transverse thick band of nerve fibers. जैसे कि पॉन्स वेरोलाई है. पॉन्स मीन्स जो है ये, इट मीन्स ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि मिड ब्रेन, मेड्यूला ओब्लोंगेटा और सेरिबेलम के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है. बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है, या यू कह लें कि ये कनेक्शन डेवलप करता है विद मेड्यूला ओब्लोंगेटा, विद मिड ब्रेन एंड द सेरिबेलम. और टू साइड वेज में जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती है बॉडी के दोनों साइड में, उसको कंट्रोल करने का काम करता है. सो फंक्शन इज कंट्रोल्स द मस्कुलर एक्टिविटीज इन टू साइड्स of the body. So main जो function होता है pons veruli का वो ऐसा होता है. So now next is medulla oblongata. और medulla oblongata के बारे में अगर हम लोग बात करें तो this is the posterior part of brain. ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पास फोर्थ वेंट्रिकल होता है, या जिसे माइलोसील कहा जाता है, वो पाया जाता है. सो हैव फोर्थ वेंट्रिकल और माइलोसील विच कॉन्टिन्यूज या ऐसे लिख सकते हैं विच इज कॉन्टिन्यूअस विद कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आगे चल के स्पाइनल जो कॉर्ड है उसके कैनाल के साथ कॉन्टिन्यू होता है. बेसिकली जब भी हम लोग मेड्यूला ओब्लोंगेटा की बात करते हैं, अभी हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो ब्रेन का और उसके साथ जो ये लोकेशंस हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. बेसिकली मेड्यूला ओब्लोंगेटा इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शंस. जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है. जैसे हम लोग अगर बात करें इसके फंक्शंस की, कि जो पोस्टीरियर या मेड्यूला ओब्लोंगेटा है, इसके फंक्शंस की अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस आते हैं. इनवॉलेंट्री फंक्शंस में जैसे कि है हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, स्नीजिंग, कफिंग, यूरिनेशन और वी कैन से डिफिकेशन. ये इस तरह के बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं जो कि मेड्यूला ओब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. अब हम लोग बात करते हैं मेड्यूला ओब्लोंगेटा के रूफ की, यानी रूफ ऑफ मेड्यूला ओब्लोंगेटा. रूफ ऑफ मेड्यूला ओब्लोंगेटा की बात करें तो ये थिन होता है एंड फॉर्म
कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन करता है रूफ ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा। अब अगर हम लोग इसके डायग्राम को देखें कलेक्टिवली, तो हमने कई बार ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है, ध्यान होगा आपको। लेट्स से मान लीजिए एक छोटा सा हिस्सा मैं बनाता हूँ अभी, अब लाइक दिस। लेट्स से कि ये कोई ब्रेन है, और ब्रेन में यहाँ पे कुछ इस टाइप से मिड ब्रेन होता है, और यहाँ पे सेरिबेलम होता है ये। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो पूरा, यानी मिड ब्रेन, मिड ब्रेन मेडुला ओब्लोंगेटा, मिड ब्रेन पॉन्स वेरोलाई, इसे बोला जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का तीन पार्ट होता है। एक को बोलते हैं यानी ये, दिस इज द मिड ब्रेन, यहाँ पे कहीं पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लोंगेटा। अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से दिस इज द सेरिबेलम, जो कि इस टाइप से सेरिबेलम पाया जाता है, और यहाँ कहीं अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है लगभग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसे। दिस इज द सेरिबेलम, और हमने आपको बताया कि जो सेरिबेलम का पार्ट होता है या जो वाइट मैटर होता है, ये सेंट्रल में कुछ ब्रांचेस पाए जाते हैं, और ये ट्री लाइक ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है दिस इज। और ये ब्रांचेस जो है अल्टीमेटली एक तरीके से आर्बर वेट्री का या वाइटी का फॉर्मेशन करता है, लाइक दिस। दिस इज आर्बर वाइटी या विटी, ये पार्ट है सेरिबेलम का, सेरिबेलम, दिस इज द सेरिबेलम। और मैंने जैसे बताया था कि ये जो पेरिफेरी में है, पेरिफेरी में इसका ये पाया जाता है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, और इसके सेंट्रल पार्ट जहाँ से आर्बर वेटी निकलता है ये वाइट मैटर का बना होता है। सो मिडिल में जो पाया जाएगा दिस इज द वाइट मैटर, और ये पोर्शन जो है दिस इज द पॉन्स वेरोलाई, और ये होता है मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा। और ये पोर्शन जो होता है दिस इज द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। अब तीन टर्म है यहां पे अगर देखा जाए तो बेसिकली मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ओब्लोंगेटा कलेक्टिवली फॉर्म ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। ये जब ब्रेन का हिस्सा, यानी ये मिड ब्रेन है, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लोंगेटा, तो इस तरह से फॉर्म करता है ब्रेन स्टेम का। सो दैट्स ऑल अबाउट द हिंड ब्रेन और रोम्बेंसेफेलॉन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो हमारा हिंड ब्रेन होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट पार्ट इज सेरिबेलम, सेकेंड इज पॉन्स वेरोलाई एंड थर्ड इज मेडुला ओब्लोंगेटा। द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। If you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.